आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। जबलपुर में आज होने वाले नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को मंत्री लखन घनघोरिया के आश्वासन के बाद रद्द कर दिया गया है। हमारी पहल और हमारी पहल के आज के अपने मिनिस्टर है आपके यहाँ के अपने विधायक, लेकिन दुर्घटना हुई। मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि जब प्रदेश में बिल लागू ही नहीं हो रहा तो विरोध काहे का। मंत्री के इस आश्वासन पर मुस्लिम समाज की बैठक में आयोजित विरोध प्रदर्शन को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। बताया गया कि जबलपुर के नया मोहल्ला में मुस्लिम समाज ने 24 दिसंबर को नागरिक संशोधन बिल का विरोध करने की तैयारी की थी, जिसमें राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र सौंपना तय किया गया था। मुस्लिम समाज द्वारा तय किए गए इस विरोध प्रदर्शन पर मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि जब प्रदेश में इस बिल को लागू ही नहीं किया जा रहा है तो किस बात का विरोध प्रदर्शन। मंत्री की इस बात पर मुस्लिम समाज ने सहमति जताते हुए विरोध प्रदर्शन को रद्द कर दिया है और शांति बनाए रखने की अपील की है। बिलपुर शहर में अमन चैन कायम रहे, किसी प्रकार का भ्रम अफवाह न फैल पाए, इसको लेके बैठक थी। तमाम नौजवानों को वास्तविकता पता चले, कोई भ्रामक स्थिति न बना पाए। लंबे समय का सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण कोई कलंकित न कर पाए। साथ में जो पिछले दिन हुआ उसमें क्या क्या हिदायत बरतना है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको नहीं करना, और कौन कौन सी ज्यादती हैं जो हमारे साथ हुई हैं, यदि हुई हैं तो उसकी भी जांच हो। यदि कोई निर्दोष फंसे हैं तो उनके साथ न्याय हो अन्याय ना हो, ये मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है। मध्य प्रदेश की सरकार संविधान के संशोधन का कोई ऐसा कानून मानने बात नहीं है जिसमें NRC से लेके CAA हो। पहले ही स्पष्ट कर दिया माननीय कमलनाथ जी कि हम ऐसा कोई कानून नहीं मानेंगे जो कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ हो। और एक बार पॉपुलेशन रजिस्टर वो जो कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ हो, ऐसा कोई कानून हम नहीं मानेंगे। ममता बनर्जी ने तो ऐसा कोई कानून हम नहीं मानेंगे जो कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ। एक बात सच्चाई है कि देश में कांग्रेस कमजोर हुई तो संविधान भी कमजोर हुआ। इसलिए तमाम नौजवानों से गुजारिश करने आए कि जब मध्य प्रदेश की सरकार आपकी मंशा के मुताबिक है तो शांति धैर्य सब इस दौर की सबसे बड़ी आवश्यकता है। फिर से वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति लोग न करने लगे, सौहार्द के का वातावरण बिगाड़ने न लगे, इसके लिए ये बैठक थी। और तमाम देखिए आज नए मोहल्ले में जो गड़बड़ता फैलाई गई कि भाई नए मोहल्ले के लोग टूट गए, वहाँ मीटिंग ऐसा कुछ नहीं था। मीटिंग हम लोगों ने कल गोरखपुर में की थी, अधिकारी थे और यही रखा कि भाई कर्फ्यू हटाया जाए, कर्फ्यू हटा और आज कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम लोग आज कर्फ्यू अपने होम की थाने में रहे, साहब ने पूरी तरीके से हर पहलू पर चर्चा की और उन्हें स्पष्टीकरण किया कि ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं ये मेरी नॉलेज में नहीं है। और अधिकारियों को भी बहुत डांटा हमारे सामने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मुसीबत बनाई। साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, वो स्पष्ट आदमी है, स्पष्टवादी है और बहुत ही अच्छे आदमी हैं।
तारीख की बात नहीं है, हमने देखा उनको भाजपा के शासन में भी देखा, बहुत एक तरफा कार्रवाई कभी नहीं की उन्होंने। जो गलत है उसके साथ खिलाफ कार्रवाई हुई, और हम भी चाहते हैं कि जो गलत की उनके साथ खिलाफ। अभी जो हमारे बीच में एक बात आई है, जो मौलाना मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश कल वो रहने वाले थे विज्ञापन के भाई वहाँ टुब्बा साहब मैदान में, मगर हम लोगों ने ये तय किया लखन भैया के इधर अधिकारियों से बात की कि जब तक के वो दोषी अधिकारियों को दंडित न किया जाए और निर्दोष लोगों को न छोड़ाया जाए, जब तक हम लोग कोई ज्ञापन नहीं देंगे उन पर। और ये भी एसपी साहब ने बोला जो तरीके का नुकसान हुआ है उन लोगों का, उसकी भी हम लोग पूरी तरीके से कलेक्टर साहब से उनको मुआवजा दिलाएंगे। हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं, देश के मुख्यमंत्री का जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भाई हमारे मिनिस्टर लखन घनघोरिया जी, तरुण भानोट जी, हमारे विधायक विनय सक्सेना, संजय यादव ने सारी बात की, और लखन भैया ने तो क्यों मतलब उनसे बात की, हम लोगों के सामने बात की और उन्होंने हर बात मानी सीएम साहब ने और कार्रवाई करने को बोला। मैं आपको एक मुद्दे की बात बताता हूँ, ये षड्यंत्रकारी जो काम हमारे क्षेत्र में हो रहा है उन लोगों की तरह जरूर की जाए और इसकी जाँच कराई जाए कि नौजवानों को बहकाया किसने है। और हम जबलपुर का अमन सुकून बिगाड़ने की, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इलाके में हुआ, अगर मछली मार्केट मिलोनीगंज में होता तो ये सांप्रदायिक झगड़ा हो जाता, मगर हम उस मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी जो सद्भावना बनी हुई जबलपुर शहर की कंकाधानी में 90-92 में बनी रही और हमेशा बनी रहेगी, इसकी हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं। और ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारा जो पत्रकार भाई हैं, मीडिया वाले हैं, प्रेस वाले, उनका भी बहुत बहुत सहयोग रहा है, हमेशा उन्होंने आग बुझाई है, आग नहीं लगाई। मैं तमाम मीडिया के लोगों का भी शुक्रिया करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज शहर में आवश्यकता है अमन चैन और शांति की, आवश्यकता ये भी कि जो निर्दोष लोग बंद हुए उनको छोड़ा जाए और जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो। इस पर मापदंड क्या तय किया जाए उस पर प्रशासन से बात हुई और ये तय हुआ कि निर्दोषों को छोड़ा जाए। जो एक मन में दहशतगर्दी है शहर में उसको ख़त्म किया जाए, इसलिए कर्फ्यू हटाने की भी बात सामने आई। और सबको पता है कि अब कर्फ्यू की आवश्यकता नहीं है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, कोई नहीं चाहता कि हमारे अमन चैन को कोई आग लगाए। इसके पीछे जो कारण और ताकते हैं ये सबको पता है कि इसके पीछे वो ताकते हैं जो देश में अखंडता और एकता को के खिलाफ हैं और जो लोग पार्टी की विचारधारा से चाहते ही नहीं कि देश में अमन चैन रहे, वो हमारे बीच में फूट पैदा करना चाहते हैं और फूट डाल के इस देश में लोगों को अपनी जीत कायम रखना चाहते हैं। मेरा मानना है कि जो कुछ निर्णय लिया जा रहा है वो शहर के अमन चैन को लेकर लिया गया है और इसके अलावा उसके पीछे अन्य कोई कारण नहीं। एक आपने प्रश्न पूछा झारखंड की जीत का, तो मेरा मानना है झारखंड की जो जीत है वो वास्तविक रूप से हिंदुस्तान के संविधान की जीत है। जिस ढंग से देश में आग लगाने का काम हो रहा है, लोगों को बांटने का काम हो रहा है, उसके खिलाफ एक बड़ा हथौड़ा हमारे हिंदुस्तान की जनता ने पटका है उन लोगों के सिर पे जो लोग इस देश के अमन चैन के खिलाफ हैं, जो जातियों में देश को बांटना चाहते हैं, जो अंग्रेज़ों से तो लड़े ही नहीं लेकिन अंग्रेज़ों की फूट डालों की राजनीति पे काम करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में तो कुछ काम किया नहीं, एक व्यक्ति उनका स्वतंत्रता संग्राम में नहीं रहा, लेकिन जिन स्वतंत्रता संग्रामियों के बल पर हमने देश को आज़ाद कराने के बाद आज ये मजबूती के साथ 70 साल में खड़ा हुआ है, उस देश पर आग लगाने के लोग प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये जनमत है जो उन लोगों को अभी आईना दिखा देगा जो देश में नंबर 1 और नंबर 2 जो आप मानते हैं जो देश को गलत ढंग से चला रहे हैं। भैया पुलिस ने लाठीचार्ज कैसा जो नुकसान हुआ है लोगों का, जो नुकसान हुआ है उसका लिस्ट बन रही है प्रदेश सरकार। ऐसे हर उस व्यक्ति को जो निर्दोष है और जिसके यहाँ पे पुलिस की जाति के कारण या प्रशासन की जाति के चलते कहीं अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई करने के लिए मध्य प्रदेश शासन कटिबद्ध है।